हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स में, जिसमें हम एक म्यूज़िक प्लेयर बनाने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो हम हमारी एप्लीकेशन का डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सो ये जो पहली स्क्रीन है जो हम डिज़ाइन करने वाले हैं, इस समय मैंने आपके सामने रखी, आप इसे देख सकते हो। आप इसमें देखोगे एक नेविगेशन ड्रॉअर है, उसके बाद एक सर्च ऑप्शन है, उसके बाद कुछ तीन बटन्स है एंड उसके बाद नीचे एक टोटल सॉन्ग्स करके ऑप्शन है और उसके नीचे म्यूजिक। सो इसे हम डिज़ाइन करने वाले हैं, हम पूरा नहीं करेंगे, हम ऊपर का पोर्शन फिलहाल के लिए रहने देंगे और बाकी रिमेनिंग पोर्शन इस समय डिज़ाइन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से अपना एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट कर दीजिए। सो सबसे पहले ये जो टेक्स्ट व्यू, मैं इसे हटाने वाला हूँ और मैं यहाँ पे एक लीनियर लेआउट लाने वाला हूँ। लीनियर लेआउट, मैच पेरेंट, एंड मैं लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन वर्टिकल सेट करने वाला हूँ। सो अगर आपको नहीं पता लीनियर लेआउट्स क्या और ये ओरिएंटेशन वर्टिकल क्या है, लीनियर लेआउट एक लेआउट है जिसमें अगर आप आइटम्स अरेंज करते हो तो वो एक फिक्स ऑर्डर में आएगी। आप वर्टिकल रख सकते हो, मीन्स एक के नीचे एक, हॉरिजॉन्टल रखते हो तो एक के बाजू में दूसरी, दूसरे के बाजू में तीसरी, उस पैटर्न में। सो मैंने वर्टिकल सेट किए। अब मैं एक और लीनियर लेआउट का यूज़ करने वाला हूँ इसके अंदर, लीनियर लेआउट विड्थ मैच पेरेंट एंड हाइट, लेट्स से नहीं तो 100 dp रख लेते हैं। ओके, सो ये जो लीनियर लेआउट है वो मैंने बटन्स के लिए डिज़ाइन किया है, फॉर बटन्स। अब आप सोच रहे होगे कौन से बटन्स, तो जो ऊपर आपको तीन बटन्स दिख रहे हैं इसके लिए मैंने लीनियर लेआउट रखा है और ये हॉरिजॉन्टल है, मीन्स एक के बाजू में दूसरा है, तो इसलिए मैंने लीनियर लेआउट यूज़ किया और मैं इसे हॉरिजॉन्टल करने वाला हूँ। ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे एक बटन क्रिएट करने वाला हूँ, बटन विड्थ रैप कंटेंट। लेआउट वेट 1, दैट्स इट। अब मुझे तीन बटन चाहिए तो मैं इसे ही कॉपी करके पेस्ट करने वाला हूँ। ओके, अब जरा मैं डिज़ाइन टैब में जाके देखता हूँ और क्या दिख रहा है। सो यहाँ पे तीन बटन्स तो दिख रहे हैं ब्लू कलर के, इनके ऊपर कुछ लिखा नहीं है। अब थोड़ी सी मैं string.xml की मदद लेने वाला हूँ। सो वैल्यूज में जाइए, string.xml, और इसमें मैं तीन बटन्स के लिए तीन स्ट्रिंग्स बनाने वाला हूँ। सो जस्ट कॉपी दिस, और मैं इसका नाम चेंज करने वाला हूँ। सबसे पहला बटन जो है वो है शफल, उसके बाद है फेवरेट्स, उसके बाद है प्लेलिस्ट। शफल अंडरस्कोर बटन एंड शफल Ctrl-C, Ctrl-V, दूसरा है फेवरेट्स एंड फेवरेट्स, और उसके बाद तीसरा है प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट्स। ओके, अब मैंने एक्टिविटी main.xml में सेट कर देता हूँ, कंटेंट डिस्क्रिप्शन शफल बटन फेवरेट बटन एंड कंटेंट डिस्क्रिप्शन
प्लेलिस्ट बटन। ओके, सो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए एक प्रॉपर्टी सेट करने वाला हूँ, स्टाइल बॉर्डरलेस। सो विडजेट डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट बटन डॉट बॉर्डरलेस सेट करने वाला हूँ। इससे क्या होगा आप अभी देख सकोगे थोड़ी सी देर में। स्टाइल बॉर्डरलेस, स्टाइल बॉर्डरलेस। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और चेंज करने वाला हूँ, मैं हाइट को मैच पैरेंट करने वाला हूँ। मैच पैरेंट एंड मैच पैरेंट। मैच पैरेंट का मतलब है ये जो लीनियर लेआउट के अंदर मैंने हाइट सेट की है वो बाय डिफॉल्ट हाइट ये पिक कर लेगा। सो अब मैं इसे देखता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ एंड मुझे सिर्फ डिज़ाइन देखना है, ब्लूप्रिंट से कोई। सो तीन बटन्स है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे आइकन्स शो करना चाहता हूँ, तो उसके लिए अब मुझे क्या करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे आइकन्स चाहिए। सो आइकन्स लानी कहाँ से, तो आप फ्लैट आइकन्स पे जाके भी आइकन्स डाउनलोड कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज़ करने वाला हूँ आइकन्स के लिए। सो जस्ट क्लिक ऑन ड्रॉएबल, न्यू वेक्टर असेट एंड सबसे पहले आइकन जो है वो शफल बटन के लिए मुझे चाहिए। सो शफल, ओके, ये बाय डिफॉल्ट जो भी है उसे रहने दो, कोई ज़्यादा हमें लेना देना नहीं उससे। सो इसका नाम रख रहा हूँ मैं शफल आइकन। नेक्स्ट, फिनिश। सो आप देखोगे ड्रॉएबल में एक शफल नाम की आइकन आ चुकी होगी। ओके, एंड ऐसे ही मुझे भी दूसरी आइकन्स भी चाहिए। न्यू वेक्टर असेस, म्यूजिक, लाइब्रेरी वाली एक आइकन ले रहा हूँ मैं एंड उसका नाम मैं लगने वाला हूँ प्लेलिस्ट आइकन। नेक्स्ट एंड न्यू वेक्टर असिस्ट, और जो तीसरी आइकन मुझे चाहिए वो फेवरेट की है। फेवरेट अंडरस्कोर आइकन। नेक्स्ट, फिनिश। अब मुझे इन आइकन्स को सेट करना है। सो अपने इन बटन्स में जाइए एंड ड्रॉएबल टॉप। अब आप सोचोगे ड्रॉएबल टॉप क्यों, सो मैं आपको इसे जब भी दिखाऊंगा थोड़ी सी देर में। सो सबसे पहले आइकन जो थी मेरी वो शफल आइकन है। ड्रॉएबल टॉप जब आप सेट करते हो तो आप देखोगे आइकन ऊपर साइड में, अगर ड्रॉएबल लेफ्ट सेट करोगे तो लेफ्ट साइड में होगी, राइट सेट करोगे तो राइट साइड में, एंड अगर आप सिर्फ ड्रॉएबल सेट करते हो तो आइकन सेंटर में होगी। अब आप सोच रहे हो मैं ऊपर क्यों रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ उस आइकन के नीचे टेक्स्ट हो, इसलिए मैंने आइकन को ड्रॉएबल टॉप सेट किया है। ड्रॉएबल टॉप, फेवरेट आइकन, ड्रॉएबल टॉप एंड प्लेलिस्ट आइकन। ओके, सो मैं तीन आइकन सेट कर दिए है एंड ये थोड़ी सी डल दिख रही है। सो अगर आप इन एक्चुअल आइकन्स को देखो तो एक रेड कलर की आइकन्स है एंड उनके नीचे टेक्स्ट भी है और ये आइकन्स काफ़ी अच्छी दिख रही है एज़ कम्पेयर टू ये जो आइकन्स है। सो अब हमें क्या करना है, हम इन आइकन्स का कलर चेंज करना है। सो रिमेनिंग लेआउट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।